पहले दो T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया ने सोशल मीडिया पे ऐसे आग लगाई कि मैं क्या कहूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हुआ यूं कि फिल्म स्टार रणवीर सिंह ने एक नए आउटफिट में पोस्ट डाला तो श्रेयस अय्यर ने तारीफ में कहा कि रणवीर सिंह ये तो आग है। तो उस पर रणवीर ने जवाब दिया कि आग तो तुमने परदेश में लगा रखी है भाई। उधर कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट संजय मांजरेकर और रविंद्र जडेजा, जिनकी इतनी अच्छी लव स्टोरी चल रही है सोशल मीडिया से साल भर से, उनके बीच तो भाई हम क्या कहें। लेकिन दूसरे मैच के बाद संजय ने कहा प्लेयर ऑफ द मैच किसी बोलर को होना चाहिए था। प्लेयर ऑफ द मैच तो पिछले मैच में केएल राहुल को दिया गया, लेकिन इस पर 18 रन देकर 2 विकेट लेने वाले सर जडेजा ने तुरंत चुटकी लेते हुए संजय से पूछा बॉलर का नाम क्या है प्लीज बताइए। तो भाई जहां इंडियन कैंप में ये मौज मस्ती चल रही है और साथ ही रिजल्ट्स पे बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली 2-0 से उन्होंने एक सीरीज लीड ले ली है, तो सीरीज अभी दाव पे है न्यूजीलैंड के लिए। क्या वापसी कर पाएगी मेजबान टीम, चलिए जानते हैं। इस मैच के पहले 5 चीजें जो जानना जरूरी है संजय बांगर के साथ ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पर। तो संजय हमारे साथ तो है ही, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीरीज जीतने का मौका है टीम इंडिया के पास। ये पहली बार ऐसा होगा कि न्यूजीलैंड में सीरीज एक T20 सीरीज इंडियन टीम जीते, इससे पहले 2 बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मौका शायद मिलेगा नहीं 2-0 से आगे। और एक तरह से कहते हैं जिस तरह की न्यूजीलैंड टीम हमें दिखाई देने को मिल रही है संजय, कि भारत का पल्ला ही भारी नजर आ रहा है। ये देखिए, ये भारतीय टीम बहुत मजबूत टीम है और 3-4 साल से जिस तरह से परदेश में जाके विदेश में जाके परफॉर्मेंस दे रही है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि इस तरह का रिजल्ट भारतीय टीम को मिल रहा है। हाँ ज़रूर, न्यूजीलैंड टीम के पास काफ़ी दिक्कत है, उनकी मिडल ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं रही है, उनके जो तेज़ गेंदबाज है वो भी मिसिंग है, तो भारत को हराना इस वक्त किसी भी टीम के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। आगे जाकर हैमिल्टन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच माना जाता है। पिछले बार भी जब दोनों टीमें यहाँ मिली थी तो 200 से ज़्यादा रन बनाए थे दोनों टीमों ने, तो औसत स्कोर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और उम्मीद है कि यहाँ पे फिर से हमें वो टिपिकल न्यूजीलैंड मैच देखने को मिलेगा जहाँ बड़े बड़े शॉट्स और आक्रामक बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। तो सेडन पार्क जो हैमिल्टन का ये मैदान है, इसके अगर हम डायमेंशंस को देखें और बाउंड्री कितनी दूर है, कितनी बड़ी है इस ग्राउंड पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि स्ट्रेट बाउंड्रीज जो है वो 60 मीटर और 63-64 मीटर के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ स्क्वायर बाउंड्रीज की बात करें तो एक तरफ जो है बाउंड्री छोटा है और दूसरी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो किस तरह यूज़ करेंगे स्पिनर्स वगैरह विराट कोहली, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पेस और स्पिन की बात करें तो बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल मालूम पड़ता है। 10 की इकोनॉमी से लगभग दोनों स्पिनर्स और पेसर्स जाते हैं, लेकिन पेसर्स का जो औसत है तो थोड़ा और अच्छा है। श्रेयस अय्यर की बात हम करने वाले, ये है हमारा दूसरा पॉइंट कि अगर भारत की तरफ से हम नज़र रहे देखें तो श्रेयस अय्यर ऐसे लग रहा है कि एक कमिंग ऑफ एज जिसे कहते हैं संजय, जिस तरह की पारी दोनों मैच में उन्होंने खेली है, जिम्मेदारी के साथ खेली है, ऑलमोस्ट फिनिशर का रोल अपने ऊपर लिया है उन्होंने। देखिए, जो मध्यक्रम के बल्लेबाज होते हैं उनके लिए थोड़ा सा चुनौतियां ज़्यादा होती है, जो ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं जो नंबर 1, 2, 3 पे खेलते हैं, उनको पता होता है कि थोड़ा समय है उनके पास, कंडीशंस को असेस करेंगे, विकेट किस तरह से खेल रही है, मगर यहाँ पर मिडल ऑर्डर तक का कोई भी खिलाड़ी जाता है तो उसको सिचुएशन रीड करना पड़ता है और हर सिचुएशन अलग अलग तरह से होता है, तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा मैचेस मिल रहा है उसको, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद हर T20 में या हर वनडे क्रिकेट में उन्होंने खेला है, तो उसका एक फ़ायदा उनको ज़रूर हो रहा है कि इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए, इस कंसिस्टेंसी का पूरा फायदा उठा रहे, इस कंसिस्टेंट रन और मौकों का पूरा फायदा उठा रहे हैं श्रेयस अय्यर। वही दूसरी तरफ इंडियन बॉलर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरा मैच उन्होंने ही सेटअप किया भारत की जीत के लिए, और जसप्रीत बुमराह से आगे हम बात कर ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ हमारी नहीं न्यूजीलैंड की भी एक खास अपील है बुमराह से। चलिए जानते हैं क्या है न्यूजीलैंड की अपील बुमराह से। I think the guys are trying. There's a lot of swing and missing, and that can happen. Obviously, you know, playing against one of the best death bowlers in the world, he's got a great slower ball, hits the hole pretty well, and he's got a great bouncer. So it's pretty hard to get Bumrah away at the end, and you know, hopefully he can have a 3 off nights for us coming up. ये तो कमाल हो गया भाई कि न्यूजीलैंड के खुद प्लेयर्स कह रहे हैं कि अगर बुमराह का ऑफ डे 3-4 बार होगा तो ये हम सीरीज में शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी तो बहुत ही शानदार रहा है उनका, और विकेट माना कि ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन जो प्रभाव उनका पड़ता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, शायद आंकड़े वो पूरी पिक्चर हमें बताते हैं। नहीं देखिए, जब आप इस जो ये मकाम पा लेते हो बतौर गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन बैट्समैन आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देने लगता है, आपके खिलाफ कोई चांसेस लेता नहीं है,
और इसी की बदौलत यह है कि उनके विकेट कॉलम बहुत खाली है, मगर जो प्रेशर वो बना रहे उसका फायदा दूसरे छोर से अलग गेंदबाजों को जरूर मिल रहा है। चलिए अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो जहां एक तरफ हम श्रेयस अय्यर और भारतीय मिडिल ऑर्डर की सुधार की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का जो मिडिल ऑर्डर है उन पर कुछ सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं कि वे पहले मैच में भी जो फिनिश चाहिए थे शायद रॉस टेलर के अलावा किसी ने दी नहीं, दूसरे मैच में भी पूरी तरह से परफॉर्म कर नहीं पाए न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर, और नंबर 3 और 5 के बीच में जो स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का है सबसे खराब टीमों में से, उनका काफ़ी नाम शामिल आता है 124 के आसपास से स्ट्राइक रेट। अब क्या ये पर्सनल की बात है कि जो बैट्समैन वहाँ पे उस रोल के लिए सूटेड नहीं है, या फिर भारतीय गेंदबाजों को क्रेडिट देना चाहिए, आप किस तरह देखते हैं इसे? नहीं, क्रेडिट तो भारतीय गेंदबाजों को देना ही चाहिए, मगर ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो डेप्थ है, जो टैलेंट है, टैलेंट की जरूर कमी है न्यूजीलैंड क्रिकेट में। अगर आप देखेंगे भारत में, अगर आप देखेंगे तो एक क्रिकेट की फैक्ट्री है, प्लेयर्स की फैक्ट्री है, क्योंकि आपके पास काफ़ी विकल्प है। न्यूजीलैंड के पास वो लग्जरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ी है नहीं उनके पास, जो उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 60-70 ही खिलाड़ी होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब टीम ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरती है, तो ये दिक्कतें ज़रूर आती है। तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होना बहुत बहुत अहम है उनके खिलाड़ी, उनके टीम के हिसाब से। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब उम्मीद यही है कि भारत एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ले, 2-0 से आगे तो है ही, और न्यूजीलैंड में पहली बार T20 सीरीज में जीत दर्ज करने का मौका उन पर है। और इस मैच के बाद हम कवरेज तो आपको देंगे ही, और चौथे मैच के पहले मिलेंगे संजय बांगर के साथ ESPN Cricket को मैच के हिंदी पर।